सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाएं बेल के बटन को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नॉलेज ऑफ नूरी वज़ाइफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको इश्क का अनोखा और दमदार मुजरब वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस अमल के करने से, अल्लाह के हुक्म से, आपका महबूब दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, चाहे सात समुंदर पार ही क्यों ना हो, इस अमल की बरकत से उसको आपकी मोहब्बत खींच लाएगी। इस अमल को आप जायज़ मकसद और शादी निकाह की नीयत से कर सकते हैं, नाजायज़ करेंगे अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे और उसमें आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन, ये वजीफ़ा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने करना ये है, इस तरीके से बोलना है, या वदूदो बिहक्के कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बहके ला इला इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुंतु मिनर जालिमीन। 101 बार पढ़ना है। अव्वल आखर दुरूद इब्राहिमी 11 11 बार पढ़ना है। ये अमल 11 दिन लगातार करना है और उसके बाद जब आपने पढ़ लिया, अल्लाह पाक से अपने महबूब की मोहब्बत की तहजीब के साथ बैठकर गिड़गिड़ा कर मोहब्बत की दुआ मांगनी है कि अल्लाह पाक, मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। बेशक तू दिलों के भेद खूब जानता है, जैसा कि मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, वैसे ही उसके दिल में मेरे लिए भी मोहब्बत डाल दे। 101 बार पढ़ना है। अव्वल आखर दुरूद इब्राहिमी 11 11 बार। ये अमल 11 दिन लगातार करना है। हक ताला ने चाहा तो आपका महबूब चाहे सात समुंदर पार ही क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस अमल की बरकत से वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का वजीफ़ा। अगली बार फिर मिलूँगा एक नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।